42 इज हियर, अभिवादन आप सभी का इस नए वीडियो में। आप में से ही एक सब्सक्राइबर अभिषेक कुमार अग्रवाल ने मुझे कहा कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट रोजमर्रा में उपयोग करते हैं, इस विषय पर एक वीडियो बनाइए। तो अभिषेक की रिक्वेस्ट पर बना है यह वीडियो, जिससे आप जान पाएंगे कि मैं स्वयं किन प्रोडक्ट्स का रोज करता हूँ इस्तेमाल। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आमतौर पर मुझे बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट सैंपल आते हैं, जिन्हें मैं समय समय पर इस्तेमाल करता रहता हूं। पर अगर मुझे अपने पैसे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, तो वे प्रोडक्ट कौन से होंगे जिनका मैं रेगुलर इस्तेमाल करता हूं, इसी के बारे में है यह वीडियो। अगर बात उम्र की जाए तो मैं 45 का हो गया हूँ। मेरी स्किन टाइप नॉर्मल है और मैं रोजमर्रा जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ, उनमें सबसे पहला नाम है टूथ पाउडर का। मेरे परिवार के सभी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। दो ब्रांड्स एसेंट लिविंग ऑर्गेनिक टूथ पाउडर और न्यू हर्बल टूथ पाउडर मेरे घर में इस्तेमाल होता है। दांत साफ करने के बाद बारी आती है बालों और शरीर के सफाई की। अगर बालों की सफाई की बात करें तो मेरा फेवरेट है रस्टिकार्ट सिकाकाई शैम्पू बार। शैम्पू करने के बाद मैं हेयर कंडीशनर जरूर इस्तेमाल करता हूँ। शैम्पू के सर्फेक्टेंट हेयर साफ्ट को नुकसान पहुँचाते हैं और इस नुकसान की भरपाई के लिए हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और हेयर कंडीशनर के तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ जस्ट हर्ब का हेयर कंडीशनर। और जब कभी हेयर कंडीशनर ख़त्म हो जाता है तो मैं 4 बूंदे सरसों का तेल एक मग पानी में डालकर उसे अपने बालों पर लगाकर 2 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ और उसके बाद बालों को पानी से धुल लेता हूँ। सप्ताह में मैं 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल करता हूँ। एक बार शैम्पू करने के बाद मैं हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करता हूँ और दूसरी बार हेयर कंडीशनर की जगह मैं हेयर मास्क उपयोग करता हूँ। अगर हेयर मास्क की बात करें तो इंडस वैली का हेयर मास्क एक बहुत अच्छा और कम पैसे में आने वाला हेयर मास्क है। शैम्पू करने से 1 घंटे पहले मैं अपने बालों में हल्का गर्म करके कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी मेरे घर में रहता है, उसे बालों पर लगाता हूँ। शैम्पू करने के बाद अर्थ रिदम का हेयर सीरम मैं अपने बालों पर अप्लाई करता हूँ और जब हेयर सीरम खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ। इससे मेरे बाल सुबह और शाम एक जैसे बने रहते हैं। और बालों के बाद बारी आती है शरीर की। मैं नॉर्मली ऐसे माहौल में काम करता हूँ जहाँ मेरा वास्ता धूल और मिट्टी से बहुत कम पड़ता है, इसलिए सर्दियों में सप्ताह में 1 बार और गर्मियों में वीक में 2 बार मैं सोप का इस्तेमाल अपने शरीर पर करता हूँ। शरीर की सफाई तो जरूरी है, लेकिन कितनी सफाई होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए ये जानना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। दरअसल जिसे हम गंदगी कहते हैं उसमें शामिल होते हैं मैल, बदबू और जर्म्स। जब हम घर के बाहर जाते हैं तो धूल, मिट्टी और गंदगी जो हमारे शरीर पर पड़ती है, इसके अलावा शरीर की डेड सेल्स, ऑयल और पसीना भी मैल बनाता है। मैल हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही यह स्किन को कंडीशन भी करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर का ही एक हिस्सा होता है जिसे शरीर अपनी सुरक्षा के लिए धीरे धीरे बाहर निकालता रहता है। इसलिए मैल से छुटकारा पाने की हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। रही बात हमारे शरीर की गंध की, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दरअसल खाते क्या हैं और पहनते क्या हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा पैकेट और फ्राई फूड का इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर की गंध बदबूदार होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा चुस्त और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, उससे भी त्वचा और शरीर को नुकसान होता है। यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारी त्वचा सांस लेती है, इससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, साथ ही हमारी दैनिक क्रियाएं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पाचन भी है, सुचारू रूप से होता है। और अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनका डिज़ाइन या फैब्रिक वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता, तो शरीर की गंध भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए अगर आप अपने शरीर की गंध को अच्छी करना चाहते हैं तो अपने खान पान के साथ पहनावे पर ध्यान दीजिए और ऐसा कपड़ा पहनिए जिससे त्वचा सांस ले सके। सिंथेटिक और शरीर से ज़्यादा चिपके कपड़े पहनना बंद कीजिए, यह त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता। और खाने में ज़्यादा फाइबर वाला भोजन त्वचा को अच्छा लगता है, ना कि केमिकल कॉस्मेटिक। शरीर की सफाई का मतलब जर्म्स का खात्मा, यही कुछ हमें विज्ञापन सिखा रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि फला साबुन या पर्सनल केयर प्रोडक्ट 100% जर्म्स को मार देता है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। दरअसल जर्म्स हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं। जर्म्स के बिना हमारी ज़िंदगी असंभव है। हमारे शरीर में जितनी सेल्स होती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। ये बैक्टीरियल सेल्स हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बैक्टीरियल सेल्स हमारी सेल्स के साथ सिम्बायोसिस करती हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारी इम्यून सेल्स पर लगाम लगा के रखती हैं।
अगर बैक्टीरियल सेल्स कम हो जाएंगी तो हमारे सेल्स की संख्या अनियंत्रित हो जाएंगी और इसे ही कैंसर कहा जाता है। इसलिए जो लोग ओवर सैनिटाइजेशन या ज़्यादा सफाई करते हैं उनमें कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपनी बैक्टीरियल सेल्स को अनजाने में टीवी विज्ञापनों या अन्य चीज़ों से बसीभूत होकर खत्म कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं शरीर को साफ करने के लिए सर्फेक्टेंट का कम से कम इस्तेमाल करता हूँ और सप्ताह में एक या दो बार मैं न्यू का हैंडमेड हर्बल सोप ही इस्तेमाल करता हूँ और मेरे परिवार में बच्चे स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक का वीगन ट्यूटली बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं। नहाने के बाद अपने चेहरे पर मॉर्निंग में मैं बायोक्यूल का एवरग्लो रेडियंस विटामिन सी फेस सीरम इस्तेमाल करता हूँ और इसके बाद कॉस आईक्यू का नियासिनामाइड B3 10% सीरम मैं लगाना बिल्कुल नहीं भूलता। मैं टोनर को स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे यह लगाना अच्छा नहीं लगता। शाम को घर वापस आने के बाद मैं बायोक्यूल के एवरग्लो फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ करता हूँ। उसके बाद बायोक्यूल का ही स्पॉटलेस फेस सीरम मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करता हूँ। बायोक्यूल के इस सीरम के इस्तेमाल से मुझे विटामिन सी के साथ अल्फा आर्बिट्रिन भी मिल जाता है, जहां विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को रोककर एजिंग के लक्षणों जैसे रिंकल्स और फाइन लाइंस को रोकता है, वहीं अल्फा आर्बिट्रिन टैनिंग और पिगमेंटेशन को रोकने में मददगार होता है। रात में सोने से पहले मैं बायोक्यूल का रिन्यू एंटी एजिंग फेस ऑयल साल भर इस्तेमाल करता हूँ। गर्मियों में एयर कंडीशनिंग और सर्दियों में ड्राइनेस से बचने के लिए इससे अच्छा फेस ऑयल मेरी समझ से कोई और नहीं है, और जब कभी भी यह खत्म हो जाता है तो मैं 2-4 बूंद आमंड ऑयल अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेता हूँ। सर्दियों में अक्सर बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए मैं अपने गाँव से आया हुआ मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मैंने 50% बटर और 50% कोकोनट ऑयल को मिक्स करके उसको किसी स्टील के बर्तन में रखकर खौलते हुए पानी में गर्म करने के लिए रख देता हूँ, और जब वो मिक्स हो जाता है तो उसे निकाल कर ठंडा करने के लिए छोड़ देता हूँ, और यह बन जाता है मेरे परिवार में बच्चों के लिए बॉडी बटर, जिसका उपयोग बच्चे बड़ी खुशी खुशी करते हैं। नॉर्मली मैं मॉइस्चराइजर ना तो अपने शरीर पर लगाता हूँ और ना ही मैं अपने बच्चों को लगाने की परमिशन देता हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए 65-70% तक पानी, थिकनेस, इमल्सीफायर और प्रिजर्वेटिव जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और फंडामेंटली इसे लगाने के बाद हमें तेल ही प्राप्त होता है। इसीलिए मैं डायरेक्ट मस्टर्ड ऑयल या बॉडी बटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। बच्चों को चिपचिपाहट नहीं पसंद है, इसीलिए वे घर पर ही बना कम पैसे में बॉडी बटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको थोड़ा सा लगाने के बाद 24 घंटे स्किन मॉइस्चराइज रहती है। मेरे होठ नहीं फटते, इसलिए लिप बाम वगैरह मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं लगाया है। कभी कभार घी या कोई तेल अपने होठों पर लगा लेता हूँ। धूप में निकलने से पहले मैं अपने चेहरे को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता, हालांकि मैं एक दिन में 30 से 40 मिनट ही धूप में रहता हूँ, और सनस्क्रीन ना तो मैं स्वयं लगाता हूँ और ना मेरे परिवार या दोस्तों में किसी को भी लगाने के लिए कहता हूँ। इन चीज़ों के अलावा मैं अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स का सेवन प्रचुर मात्रा में करता हूँ। बाहर की बनी हुई खाद्य सामग्री ना के बराबर खाता हूँ। सप्ताह में 6 दिन 1 घंटे के लिए रोज एक्सरसाइज करता हूँ, और इसी वजह से 6 फुट हाइट होने के साथ मेरा वजन 72 किलो बना हुआ है और मुझे कोई भी स्वास्थ्य समस्या नहीं है। और आपको भी यह याद रखना चाहिए कि स्वस्थ दिखने से ज़्यादा स्वस्थ रहना जरूरी है, और अच्छा स्वास्थ्य बिना पौष्टिक भोजन और व्यायाम के प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आयुष्मान भव।